घर में क्ले बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल आटा और हाफ बॉल नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या कोई भी ऑयल आपको वैसा लगे तो आप ले सकते हैं। और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि कहीं भी किसी तरह की गुठली ना रहे उसमें, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये क्ले मैंने बनाया था क्योंकि मेरे पास क्ले ख़त्म हो गया था और मुझे क्राफ्ट बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही क्ले बना लूं। और ये मैंने फूड कलर थोड़ा सा डाला है, 1/2 चम्मच, और इसे भी अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी एक ही बार नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये क्ले बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इससे किसी भी तरह का आर्ट हम बना सकते हैं। बस सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, अगर धूप है तो आप काफ़ी अच्छे से इसे अपने क्राफ्ट को सुखा सकते हैं। और ये देखिए ये मिक्स हो गया है, थोड़ा सा और ऑयल लेकर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो गया है और इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। और ये 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो सॉफ्ट हुआ था, पर ये और सॉफ्ट होना था तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लू ऐड किया है और काफ़ी अच्छे से इसे फिर मिक्स किया। थोड़ा सा हाथों में चिपक रहा है तो इसके लिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है हाथ में और इसे मिक्स करती हूँ। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और आप किसी भी तरह का आर्ट या क्राफ्ट इससे बना सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है। काफ़ी ईजली ये सर्किल बनकर रेडी हो गया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।